अगर आपको विनम्रता की परिभाषा जाननी है तो आप किसी सच्चे सिख से मिलिए या फिर अपने अगल बगल किसी गुरुद्वारे में चले जाइए। गुरुद्वारे में घुसते ही आप देखेंगे कि कोई सिख आपके लिए पानी का जार लिए बैठा है, तो कोई सिख आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, कोई सिख आपको गुरुद्वारे के भीतर का रास्ता बता रहा है, तो कोई सिख आपके जूते चप्पलों को अपने हाथों से उठाकर उसे सही जगह पर रख रहा है, कोई सिख लंगर में लोगों को खाना खिला रहा है, तो कोई गद्दी के सामने माथा टेक रहा है। ये सब कुछ देखकर यही प्रतीत होता है कि सिखों जैसा विनम्र कोई नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। आज की वीडियो में मैं आपको सिखों की विनम्रता के एक और उदाहरण के बारे में बताऊंगी, सिखों का माथा टेक के बारे में बताऊंगी। उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक करना मत भूलिएगा, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना मत भूलिएगा। आज के समय में खड़े होकर कहीं से किसी को प्रणाम कर लेना, किसी को पैर छूकर प्रणाम करने के बहाने घुटना छूकर प्रणाम करना, हाथ के इशारे से प्रणाम करना, बिना हाथ जोड़े प्रणाम करना फैशन बन गया है, जो हर जगह दिखता है। हिंदू धर्म में तो ये काफी चलन में है। प्रणाम करने के तमाम अतरंगी तरीके आपको हिंदू धर्म में दिख जाएंगे। हिंदू धर्म में प्रणाम करने का सबसे सही तरीका साष्टांग प्रणाम करना बताया गया है, लेकिन चंद लोग हैं जो इसका पालन करते हैं, जबकि सिख धर्म में ऐसा नहीं है। सिख धर्म में हर सिख के नमस्कार की प्रक्रिया अलग होती है। कोई कितना भी बड़ा सिख क्यों ना हो, उसे गुरुद्वारे में मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी ही होती है। हर सिख मत्था टेकता है। माथा टेक का सीधा मतलब होता है अपने आप को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर देना, उनके आगे नतमस्तक हो जाना, जिसके सहारे पूरी दुनिया चल रही है। सिख धर्म में हर शख्स इसका पालन करता है। सिख कहीं नहीं झुकते, लेकिन गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में अपनी पगड़ी समर्पित कर देते हैं। माथा टेक का सही प्रोसेस होता है अपने पंजे और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर दोनों हाथों के माध्यम से माथा को रख कर वहीं की जमीन को अपने माथे से स्पर्श करना। इसे शारीरिक भाषा के तौर पर सम्मान और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। वहीं आपने हर गुरुद्वारे में देखा होगा कि माथा टेकने के बाद लोग लंबे समय तक बैठकर गुरुबाणी का आनंद लेते हैं, सुमिरन करते हैं। गुरुबाणी का पाठ आपके मन और मस्तिष्क को खोलती है और आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।